जद्दू की चल रही थी डाइट और इसे मैंने पिज्जा खिला दिया। यार मैं भी ग्रीन टी लेके आई थी। फाइनली अब पियर्सिंग कराने जा रहा हूँ मैं, फाइनल देखते हैं क्या निकलता है। पर अभी मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है। सही तो नाक भी करवा ली इससे। नाक भी करा ली। हाँ वेलकम बैक टू माई चैनल। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। आज है 20th February एंड आज संडे भी है। और आज मेरी सुबह 6:30 से लेके 11 बजे तक लगातार ट्यूशन, अभी 6:15 हो रहे हैं। मैं जस्ट अभी उठाऊँ, मेरा मॉर्निंग फेज है, देख लो क्या हालत हो रखी है। अभी जस्ट पहले तैयार होता हूँ एंड मैंने आज ट्यूशन जाना है, बहुत सारे काम है क्योंकि मेरे प्री बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है और अब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है। सिर्फ 10 दिन बचे हैं एंड कुछ नहीं आता तो इसीलिए। एंड अभी पार्थ आएगा, उसके साथ मैं जाऊँगा साइंस की ट्यूशन, साइंस मैथ्स SSC। 11 बजे तक लगातार है और आज मैथ्स वाली मैम भी एक्स्ट्रा पढ़ाएंगी, तो आज काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है। फ़िलहाल कुछ खाता हूँ कि जिससे भूख ना लगे, क्योंकि लगातार है भूख लगेगी 11 बजे तक आते आते। तो या कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं। अभी मम्मा वगैरह सब सो रहे हैं और अभी समझ तो आ रहा कुछ क्या खा सकता हूँ मैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ फ्रूट ही खा लेता हूँ। फ्रूट खा के उसके बाद अगर बीच में टाइम मिला 5-10 मिनट का तो मैं घर आके कुछ खा जाऊँगा, वरना अभी तो फ्रूट ही खा सकता हूँ मैं। तो अभी बस अंधेरा सा ही हो रहा है। क्या हाल है, बाहर रह तू? चल भाई चले। अभी 9:15 हो रहे हैं और अभी मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ। मेरी नेक्स्ट ट्यूशन 10 बजे में, हमने थोड़ी सी जल्दी छुट्टी कर दी क्योंकि हमने मतलब आज ना लगातार ट्यूशन है तो आज थोड़ा जल्दी छोड़ देना, कुछ खाया नहीं। तो मैम ने कहा कि चलो ठीक है आज जल्दी छोड़ दूंगी। तो फिलहाल घर आ चुका हूँ और भूख बहुत तेज लग रही है, तो अभी अंदर जाके कुछ खाता हूँ। मतलब मैं मम्मा को कहता हूँ कि रोटी बनाएंगी या कुछ भी, आलू का परांठा कुछ भी चलेगा, एंड फिर खा के दूसरी ट्यूशन के लिए निकलेंगे, मतलब तीसरी ट्यूशन के लिए। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ, उसके बाद कोई ट्यूशन नहीं है। एंड या चलते हैं। सारी ट्यूशन से फ्री हो चुका हूँ फाइनली। और आज ना एक तो मैंने SSC की वैसे वो करी थी ऑनलाइन अटेंड, मैं ऑफलाइन गया ही नहीं। मतलब जो 10 बजे वाली थी मैंने ऑनलाइन कर ली और फिर मैं उसके बाद सो गया था क्योंकि 6 बजे का उठा हुआ और मेरे को नींद तेज आ रही थी, तो मेरे बस की और कुछ करने का था नहीं तो मैं सो गया था। एंड अभी फ़िलहाल दोपहर हो रही है, पढ़ूंगा अभी और दोबारा एंड फिर उसके बाद वीडियोज़ बनाऊंगा। तो फिलहाल तो अभी मैंने सोचा है मैथ्स, इस टाइम मैं मैथ्स करता हूँ तो अभी मैथ्स करता हूँ थोड़ी बहुत। और मैंने आज सोचा कि आज मैं अपना कान छिंदवाने वाला हूँ, पियर्सिंग कराऊंगा। अभी देखते हैं, अमन से मैंने कल बात तो करी थी, बाकी देखते हैं उसे टाइम मिलता तो आज जाऊँगा वरना फिर किसी और दिन। बट मेरा ज़्यादा उम्मीद है आज शायद मैं जाऊँगा क्योंकि आज मैं फ्री हूँ। तो जल्दी पढ़ रहा था और ये मेरी बहन के काम देखो, मतलब बंदी गाने चला के वॉशरूम गई है, हद हो गई, मतलब बिल्कुल ही पढ़ने नहीं दे रहा मेरे को। तो बुरी हालत है वैसे, ये गाना चला रखा परफेक्ट। नूनी तू बंद कर रही नहीं कर रही? अब बहन ने फोन से चला लिए गाने, हद हो गई इसकी। तो नूनी जी आपके कॉलेज खुल गए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो मतलब तू चंडीगढ़ से मिलने सबे भेजा करेगी रोज? मतलब बहन के जाने का कम नहीं है, सबे आ जाएगा। पता है यहाँ वापस आ गई तो मेरा सबे आना रुक गया था, मैंने कहा कि जल्दी वापस जा और फिर मेरे मिलने सबे भिजवाया करिए जब भी ये आएगी या फिर किसी के हाथ भिजवा देगी, ठीक है? और आज बता मैं क्या करवा रहा हूँ? तू वो अपने काम। अच्छा महेंद्र को बता ही दिया था कल, देखते हैं गाइस। अमन से भी बात हुई है, 7 बजे करीब हम जाएंगे एंड फिर मैं ये करूँगा। और कुछ पूरा मूवी ना करवा लूँ? हाँ। पता नहीं अभी एक्सपीरियंस भी देखता हूँ क्या होता है, मेरे को तो पता भी नहीं। इधर मन आ चुका है और फाइनली हम जा रहे हैं एंड पियर्सिंग करवाने। ये इसने एक तो करा रखा है ये दिख रहा होगा, अब दूसरा करा रहा है ये भी और मैं एक कराऊंगा, फिर देखते हैं बाद में कराएंगे दूसरा, देखता हूँ सूट करेगा। कराने का मन नहीं था, तू करा रहे तो इसलिए जा रहा हूँ। अभी मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरे पे सूट करेगा नहीं करेगा क्योंकि मेरी इसकी जैसी दाढ़ी नहीं आई इतनी, मतलब है ही नहीं अभी तो, मैंने क्लीनिंग कर रखी है। बट कोई बात नहीं, चिकना है तो चिकना है। नहीं मैं ये मेरे को करा देता, कहता भाई बेकार लग रहा है तू कर ले बिल्कुल ट्रिम, तो मैं इसलिए ट्रिम ही कर लेता हूँ।
वरना तो मैं ऐसे कहता हूँ मैं थोड़ी सी ग्रो कर लेता हूँ कि थोड़ी बहुत तो दिखेगी, बट ये कहता है ट्रिम कर लो। चलो इसी मम्मी आज हम वो कराने वाले हैं पियर्सिंग यहाँ पे नहीं मम्मी यहाँ पे तो अभी जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब पहले छोटी सी थी बट अब मैंने उससे थोड़ी सी बड़ी कराई क्योंकि वो दिखेगी नहीं, बाकी इसमें भी करा रहे हैं सेलेक्ट। मैं बाली पहनूंगा लाल ये वाली। सो मैंने जस्ट अभी ये सेलेक्ट किया है और अमन की भी सिलेक्ट हो गई है फाइनली। मिलती जुलती करी है इसमें, देख के फट गई है एग्जाम। ये है मेरी, देखते हैं सूट करते हैं नहीं करते बात। फाइनली अब पियर्सिंग कराने जा रहा हूँ मैं, फाइनल देखते हैं क्या निकलता है और अभी मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है। भाई लियो मत बिल्कुल। गाड़ी में तो बैठ चुका हूँ एंड फिलहाल मेरे को भूख बहुत तेज लग रही है तो शायद अमन उनमें कुछ खाएंगे, और कान में पेन होना स्टार्ट हो गया मेरी, मतलब अभी फिलहाल जो मैंने सिलेक्ट करी थी हमने वो कैंसिल कर दी क्योंकि मेरे को स्कूल जाना होता है और स्कूल में मना मतलब अलाउड नहीं है, तो मैं उतारूंगा तो वो खो जाएगी, वो डायमंड की थी तो इसीलिए अब हमने सिंपल सी ले ली। कुछ दिन तो मैं सिंपल ही पहनूंगा तो या अभी तो स्कूल का चक्कर है इसलिए हमने वाली कैंसिल कर दी एंड दो तीन दिन ये वाली पहन के रखनी पड़ेगी फिर इसके बाद चेंज कर लूँगा। बट या दर्द स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ बट अब होना स्टार्ट हो रहा है। सो अभी जस्ट हम कुछ लेंस वगैरह लेने थे हमने तो वो ले रहा है, वो चश्मे वगैरह वो अभी वो देख रहे हैं, बुढ़े वाला ले रहा है बिल्कुल, बुढ़ा लग रहा है बुढ़ा 120 साल का डॉक्टर वाली खिला दी। अभी घर आ चुका हूँ और देखता हूँ क्या रिएक्शन आता है घर पे क्योंकि का मम्मा का। देख अभी ये वाली लगाई है उन्होंने क्योंकि अभी करवाई है ना दोनों सिलवाया एक ही। ये तो नाक भी करा ली देखो। हाँ देखो यार ऐसे मत करता तू। आपको कुछ दिख रहा है मेरे में भाई साहब? योगा करवाया तुमने? दिख रहा है। ओहो कान में कुंडल लगा लिया भाई। हाँ अभी करवाया। हाँ एक ही कराया अभी तो, आज अमन ने भी कराया दूसरे वाला। अमन ने भी कराई दूसरे वाला। अमन ने भी नोज करा ली? नहीं दूसरे वाला कराया, दूसरे वाला नोज। इसे नोज का बड़ा शौक है। जनानी तो नहीं है तू? डोमिनोज से पिज्जा मंगवाया है बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ, लिटरली बहुत दिनों बाद। एक बार इग्नोर करना है यार, बहुत बड़े हो रखे हैं। कम से कम मेरे को 1 से 2 महीना हो गया मैंने पिज्ज़ा नहीं खाया भाई साहब। पिज्ज़ा आज पता नहीं मेरा मन करा, मैंने सोचा संडे वैसी है तो थोड़ा सा तो चीटे बनाना चाहिए। जद्दू की चल रही थी डाइट और इसे मैंने पिज्ज़ा खिला था, भड़का के मैंने कहा खा ले। देखो एक साइड तो ले रही थी ग्रीन टी, एक साइड मैंने इसे कह दिया कि देख पिज्ज़ा बचा है और अपना खा ले, कोई नहीं देख रहा, अपने बीच में रहेगी बात। ये क्या चल रहा है? हाँ देखो मैंने डाइट खराब कर दी क्योंकि मैं पिज्जा एक खाने जा रहा था, बहुत टाइम बाद खाया तो मेरी आदत ही छूट गई। यार मैं भी ग्रीन टी लेके आई थी। तो गाइस अभी रात हो चुकी है एंड अब पेन कम हो रहा है और फिलहाल अभी जस्ट मैं SST पढ़ रहा हूँ, ये चैप्टर स्टार्ट करा है मैंने नेशनल एग्जामिन इंडिया और 10 दिन बचे हैं तो SST भी कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी ये वाला चैप्टर स्टार्ट करा है और बस अभी थोड़ी देर पढ़ के मैं सो जाऊँगा, तो फिलहाल ये वाले ब्लॉग को एंड करता हूँ, काफ़ी लेट हो जाएगा। मैं पढ़ के सोने ही वाला हूँ और सुबह ट्यूशन भी जाना है वापस, वही है
तो ये ले ब्लॉग को एंड करते हैं एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया। सो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और इसका मैं बताऊंगा आगे क्या होता है। ठीक है, फिलहाल तो अभी इतना ही है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। गुड नाइट।